हेलो एवरीवन, जामिया इस्लामी कोर्स से लेटेस्ट में जो भी नोटिस एंड अपडेट्स है आज का, उसके बारे में स्टूडियो में बात करेंगे। आपको सिंपली गूगल पर जाना है, सर्च कर लेना है JMICUE। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन देखिएगा टॉप पे, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके जस्ट बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है यहाँ पे, और आने के बाद आपको ये जो रेड कलर से स्क्रॉल हो रहा है पहला जो अपडेट है वो ये यहाँ से दे दें। टॉप पे बिल्कुल नोटिस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ, तो आप इसको सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। पहला जो अपडेट है पहले वो बता दें, बाकी आगे जो भी अपडेट हो। यहाँ पे बस यही है, आज लास्ट डेट है जो बच्चे फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं, जो स्टूडेंट्स जेई मेन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, नाटा के थ्रू जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर CUET के थ्रू लेना चाहते हैं, तो उनको फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो आज है 29 अगस्त। तो जो नहीं फिल किया वो आज फिल कर, क्योंकि आज 29 अगस्त है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जामिया अभी ऑब्वियसली अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कुछ कोर्सेज़ का इन्होंने रिजल्ट पब्लिश नहीं करा, मतलब अब जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं वो सेकंड लिस्ट आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स थर्ड लिस्ट को लेकर पूछ रहे हैं, तो अभी बस यही कहना चाहेंगे कि कोई अभी वैसा अपडेट है नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि हो सकता है कि आज मंडे है, आज नहीं तो कल आपका सेकंड लिस्ट जरूर आएगा, जिस किसी भी कोर्स में आपने दिया है। जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें, तो बस ये है कि अपने हिसाब से ये पब्लिश कर रहे हैं, कुछ भी करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा, वेबसाइट पर एक बार दिन में एक बार चेक कर लिया करें। सीट्स खाली रहेंगे तभी उस कोर्स का लिस्ट आएगा, नहीं रहेंगे तो अगला लिस्ट नहीं आ पाएगा, इस बात को समझिए। जहाँ तक स्कूल की बात रहा, तो हो सकता है एक आख लिस्ट आए, क्योंकि आना भी चाहिए। अब यह है कि अगर आता भी है तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे बंदे का नाम आ जाएगा, कुछ ही स्टूडेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं सेकंड लिस्ट में आया था तो उसमें काफ़ी सीट्स, सॉरी ज़्यादा सीट्स ही नहीं खाली था, कुछ ही सीट्स खाली था, तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा। बाकी अगर हम RCA के रिजल्ट की बात करें, तो अभी फिलहाल कोई वैसा अपडेट नहीं है। जहाँ तक रहा सवाल BTEC के स्टूडेंट्स का, तो उनको अभी फिर से एटलीस्ट 1 वीक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज उनका BTEC वाले स्टूडेंट्स भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ऐसे में उनको आज भी फिर से इंतजार करना पड़ेगा। जहाँ तक रहा ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, तो जामिया ने ऑलमोस्ट ज़्यादातर कोर्सेज का अपना जो सॉरी ऑफलाइन क्लासेस को लेकर जामिया ने ज़्यादातर अपने जो इनके जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लिए, इनके ज़्यादातर कोर्सेज का ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गया है। मैं यहाँ पे दो ही चीज़ें कहना चाहूँगा, एक तो ये अगर इनकेस नहीं भी हुआ है तो आप बेहतर है जामिया के डिपार्टमेंट विजिट करिए, जिस डिपार्टमेंट आपका एडमिशन है वहाँ विजिट करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपको यहाँ वेबसाइट पे दिख जाएगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रहा है। जैसे कि बताना चाहेंगे इंग्लिश ऑनर्स का जो है उनके क्लासेस शुरू हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर कोर्सेज़ का ये होगा कि पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ है उसके बाद क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको, क्योंकि ऑलरेडी जामिया ऑलमोस्ट ज़्यादातर कोर्सेज़ का स्टार्ट कर चुके हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि शायद स्टार्ट हो गया और हमें नहीं पता चल पा रहा है, तो बेहतर है आप एक बार यूनिवर्सिटी विजिट करिए। और आपको आज मंडे ही है तो होपफुली आज आपके क्लास रहेंगे ही। जहाँ तक ये पॉलिटिकल का क्लास है उसके स्टार्ट हो चुके हैं, यानी पॉलिटिकल में डिपार्टमेंट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सब्सिडरी वाले हो, उन सभी का क्लास हमारे हिसाब से शुरू हो गया है। और बाकी जो भी क्वेरी हो, अगर जो भी आपका जो भी क्वेरी हो कमेंट कर दिए, उससे रिलेटेड वीडियोज़ आ जाएंगे। थैंक यू।